आपने प्रॉफिट भी लिया इसके अंदर बहुत। 500 मुर्गियां जो छोटे चूजे हैं वो सेल करें, क्या रेट में सेल करें थोड़ा ये बताओ मुझे। मैंने किए थे उस टाइम लगभग देखो 350-350 के आसपास किए थे। अच्छा 350 करे थे आपने मुर्गी सेल। अच्छा उस मतलब दो रेट में गए थे वो, एक 350-350। हाँ देखो 500 ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई वो। 350 रुपए में चिक सेल करे थे आपने। कितने महीने के थे वो? वो हो गए लगभग 1.5 महीने के। 1.5 महीने काफी अच्छा रेट मिल रहा था आपको। हाँ तो भाई आपने फार्म के अंदर ये ऐसी साफ सफाई की क्या जरूरत है, थोड़ा सा ये बताओ मेरे को। देखो साफ सफाई में एक तो इनमें बदबू नहीं आती। हाँ फार्म में। हाँ अन्य देखो मेरा यहीं पे घर है, यहीं पे फार्म है, यहीं पे यहाँ ये भाई का घर है यहाँ पे पीछे, और इन्होंने इसी की दीवार के ऊपर ये फार्म बनाया है। हाँ अच्छा। तो एक तो बदबू नहीं आती। हाँ जो अन्य भाई आ गया वो देखता तो ये नहीं सोचता है कि मन से ऊपर के काम कर रहे हैं ये, नहीं सब ये सोचता मैं मेहनत के पीछे इतना लगा हुआ हूँ कि मैं खाना भी है ना कभी मिस भी मार देता हूँ कि मेरे को काम पहले जरूरी है, इनकी देखभाल जरूरी है। गर्मी के अंदर बोलते हैं कि बाजरा गर्म करता है, कुछ इस बारे में बताओ थोड़ा। देखियो गर्म करता है। हाँ गर्म उसके करता है जो एक कैल्शियम होती है। कैल्शियम पानी में नहीं डालोगे तो वो गर्म करेगा बाजरा। हाँ उसके अंदर लस्सी नहीं डालोगे। हाँ तो भी वो गर्म करेगा। अच्छा ठीक है। टाइम टू टाइम इनको लस्सी और कैल्शियम हाँ ये और पानी तीनों चीज मिला के रखोगे तो बाजरा वो गर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म में आया हूं, और जो ये देसी पोल्ट्री फार्म है ये लगभग 3 से 4 महीने हुए हैं जो ये देसी पोल्ट्री फार्मर भाई उन्होंने इसकी शुरुआत करे हुए, और काफ़ी कम समय में इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है, काफ़ी सारे बच्चे निकाल रखे हैं देसी मुर्गी से, और इन्होंने करीब 500 के करीब इन्होंने सेल भी करे हैं। तो हम इनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग की, और ये जो फार्म है ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल लो कॉस्ट में इन्होंने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू देसी पोल्ट्री फार्मिंग पे। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूं, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी, साथ में एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी सीखने के लिए मिलेंगी। साथ में अगर आप नया पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो देसी मुर्गी फार्म, तो भी आपको एक दूसरे जो पोल्ट्री फार्मर भाई है उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए आप याद से ये मेरा पोल्ट्री फार्मिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो हो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये देसी मुर्गी फार्म कर रखा है। गाँव है जड़ाऊ मिट्टी, जिला चूरू, तहसील राजगढ़, पिलानी के पास में चांदवट्टी है, अप्रोच में गाँव है। भाई आपका नाम क्या है ये और बताओ? मेरा नाम तनुज कुमार शर्मा है। हाँ अच्छा, और अपने खेत में ये फार्म है देसी मुर्गी फार्म। अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा आपका। आइए आप, बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आप पहले क्या करते थे? आप पहले यही है, मैं बाहर रहता था गुड़गांव में। हाँ तो वहाँ पे मैं जॉब करता था, फिर मैंने खुद की गाड़ी वगैरह वगैरह लगाई है, तो वहाँ पे इतना प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिल रहा। हाँ तो मैं आप लोग मतलब टैक्सी वगैरह चलाते थे? हाँ टैक्सी में गाड़ी थी। हाँ हाँ खुद की थी। अच्छा तो वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो है ना मतलब कुछ कमी है। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं आया, घर आया, लॉकडाउन लग गया था, घर आया, आने के बाद मैंने कुछ सोचा कि यार कुछ अलग बिजनेस करें, तो मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी है, अन्य भाइयों की औरों की देखी है, तो मैंने देखा हाँ यार ये तो ठीक है, चलो करके देखते हैं अपना खेत है कौन सा किराया लग रहा है। अच्छा भाई मैं बहुत सारे देसी पोल्ट्री फार्म पे गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने टाइम के अंदर इतने सारे चिक्स निकाले हुए हैं चूजे, ठीक है, और आप बता भी रहे थे कि लगभग 500 के करीब आपने मुर्गे जो छोटे चूजे हैं वो सेल भी करे। 500 के मैंने सेल कर दी और लगभग 700 के आसपास तो चूजे और भी है। अच्छा और भी है आपके पास में, तो बहुत अच्छी आपने ग्रोथ करी है मतलब जल्दी इस फार्म के अंदर, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगे। तो चलिए आपका फार्म देखेंगे और साथ में आपसे जानकारी भी लेंगे, जो भी आपने 3-4 महीने में जो एक्सपीरियंस लिया है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। पहले तो आपका फार्म देखेंगे। चलो भाई। चलो भाई। तो ये भाई का फार्म है, देखो बिल्कुल लो कॉस्ट सेट बना रखा है इन्होंने, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगा रखा है इसके ऊपर। ये देखो भाई आप ये थोड़ा गेट बंद कर लो आप।
तो ये भाई का फार्म है, फ्री रेंज है, प्लस में इन्होंने सेड भी बना रखा है। भाई पहले तो ये बताओ मुझे, आपने ये सेड बना रखा है जी, बहुत ही लो कॉस्ट सेड बना रखा है, कोई ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही मेरे को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है कि मेरा कम से कम है ना, ज़्यादा नहीं है तो ये 500 फुट का एरिया है। अच्छा 500 फुट का एरिया, हाँ, हाँ। इसमें आप मान के चलो मैंने नॉर्मल खर्चा है तो ज़्यादा मेरा 40 से 50 हज़ार रुपये का नॉर्मल है। नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे छोटे चूजे का है, इससे बड़े का ये है। अच्छा, और उससे बड़े का बीच वाला खाना है। तीन बना रखे आपने अलग अलग। अच्छा इधर आओ आप एक बार, थोड़ा सा छाए में आ जाओ आप, क्योंकि भाई थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रखी है। हाँ, बोले। तो भाई आपने तीन पोर्शन बना रखे हैं, तीन पोर्शन, ये छोटे चिक्स के बना रखे हैं, ये फिर थोड़े मीडियम के बना रखे हैं ना, और वहाँ पे सेवन पे बिठा रखी है, वो अंदर सेवन पे है। अच्छा अलग अलग पोर्शन बना रखा है जी। भाई आपको 3 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए, आपको इतनी जल्दी इतनी नॉलेज कैसे मिली, थोड़ा सा मुझे ये बताओ आप। देखो इसे जो बिजनेस में चलेंगे ना, उसको टाइम देना पड़ता है, वो संतुष्टि से नहीं। भाई मैं बहुत सारे फार्मर भाइयों से मिला हूँ जो नए नए पोल्ट्री फार्म करते हैं, उनको इतनी जल्दी नॉलेज नहीं होती देसी मुर्गी की, फिर वो घाटा भी खा जाते हैं। देखो वो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। हाँ, अपने अपने दिमाग के, जो काम बताता है छोटे बड़े भाई को पूछो, उस दिमाग को जो काम बता रहे हैं ना, उसको कैच करो, उसको कैच करो, बस कैच करो, लगन लगाओ काम में। आपने कैसे एक्सपीरियंस लिया था, मतलब कि आप किसी फार्म पे विजिट करते थे, कोई रिश्तेदार का फार्म था, या मतलब कैसे आपने एक्सपीरियंस लिया इतना जल्दी? बस मैंने यूट्यूब पे देखा है। अच्छा यूट्यूब से? हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा, जो भी है तो मैंने जो भी यूट्यूब पे देखा। आप ये भी बता रहे थे कि आप मेरी वीडियोस देखते थे। हाँ, तो लगभग आपके, आपने मेरी वीडियो देखी है। हाँ, कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ, ये मान के चलो कि मैंने ना लगभग 80% आपकी वीडियो में मैंने जो भी नॉलेज लिया है। हाँ। जब भी मैं यूट्यूब पे जो भी चीज मेरे को सर्च मारनी थी तो मैं आपकी यूट्यूब चैनल को खोल लेता था। अच्छा। हाँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हाँ, आप जुड़े हो उसके अंदर? हाँ जुड़ा हूँ। उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है आप बताओ थोड़ा फार्मर भाइयों को। देखो मेरे को जो मतलब कोई चूजे है या मतलब बड़ा मुर्गा है कुछ हो गया, हाँ, तो मैं आपके उसके ऊपर है ना, मैं देखता हूँ पीछे का रिकॉर्ड भी देख लेता हूँ इसमें क्या क्या बताते हैं, तो उसमें सभी मतलब समाधान होता है उस चीज का। अच्छा। हाँ, तो मैं ढूंढ लेता हूं। फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा अब ऐसे देख रहे हैं हम कि जो आपका ये तीन पोर्शन है इसके अंदर, ये प्योर देसी मुर्गी है आपकी? प्योर देसी मुर्गी है। एक मुर्गी ने ये लगभग कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे उठा रखे हैं अपने साथ में घुमा रही है अपने ये? हाँ, एक बच्चे एक मुर्गी के साथ में हो गए तो लगभग ये 18-19 बच्चे हैं। 18-19 बच्चे? हाँ। अच्छा 18-19 बच्चे एक मुर्गी घुमा लेती है आराम से। अच्छा लगभग मैक्सिमम कितनी एक मुर्गी कितना बच्चों को अपने साथ में रख सकती है? देखो ज़्यादा छोटे हो तो ये मान के चलो 30 से 35-40 के आसपास एक को घुमा लेती है। हाँ। लेकिन बट अपना क्या है कि इसमें ना मतलब ज़्यादा छोड़ते नहीं है, क्यों? अच्छा। अपनी मुर्गी है वो टाइम के अनुसार सब चलते हैं, क्यों? उनकी मैं देखभाल अच्छे से करता हूँ। हाँ हाँ, वेस्ट में नहीं जाने देता उनका, 1% भी टाइम उसका वेस्ट में नहीं जाने देता। अच्छा। हाँ। अच्छा काफ़ी सारे चिक्स हो रखे हैं आपके पास में, है ना? हाँ, ये यहाँ भी भरे हैं वहाँ भी भरे हैं। हाँ। 3 महीने के अंदर इतने सारे चिक्स जो आपने निकाले हैं। हाँ। वो तो मैं देख रहा हूँ आपकी मेहनत, मैं दिखाऊंगा आगे भी, आगे जो वो पोर्शन है उसके अंदर आपकी ये मेहनत दिखाई देगी। हाँ। ठीक है, तो एक बार चल के देखते हैं भाई की कैसे कितनी मेहनत कर रखी है। अच्छा ये देखो साफ सफाई चल रही है फार्म के अंदर अभी, है ना? ये देखो, तो भाई आपने फार्म के अंदर ये ऐसी साफ सफाई की क्या जरूरत है, थोड़ा सा ये बताओ मेरे को। देखो साफ सफाई में एक तो इनमें बदबू नहीं आती फार्म में, अन्य देखो मेरा यहीं पे घर है, यहीं पे फार्म है, यहीं पे यहाँ ये भाई का घर है यहाँ पे पीछे, और इन्होंने इसी की दीवार के ऊपर ये फार्म बनाया है। हाँ। अच्छा। तो एक तो बदबू नहीं आती, जो अन्य भाई आ गया वो देखता तो ये नहीं सोचता है कि मन से ऊपर के काम कर रहे हैं ये, नहीं सब ये सोचता। मैं मेहनत के पीछे इतना लगा हुआ हूँ कि मैं खाना भी है ना कभी मिस भी मार देता हूँ कि मेरे को काम पहले जरूरी है, इनकी देखभाल जरूरी है। बिल्कुल भाई आपकी मेहनत मुझे दिख रही है, क्योंकि इतने सारे फार्म मैं विजिट कर चुका हूँ, मेरे को इतने ज़्यादा चिक्स नहीं मिले, क्योंकि चिक्स उसी फार्म पे मिलेंगे जिसकी जो बंदा मेहनत करता है दिन रात। बस मेहनत करो मेहनत। ये देखो चिक्स ही चिक्स है इनके पास में, और ये देखो फार्म की एक टाइम पे सफाई होती रहती है। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, जो जानने की है जो नया फार्मर भाई देख रहा है या कोई करने का इच्छुक है, उसको आप क्या सलाह दोगे, मतलब उसे करना चाहिए ये काम या फिर नहीं करना चाहिए? उसको बहुत खुशी के साथ में करना चाहिए। अच्छा, खुशी के साथ में, कम खर्चा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ मेहनत भी नहीं है, आप बड़े खुश हो, खुश लग रहे हो इस काम से। हाँ। कि मैं जो मेरा गुड़गांव का इलाका था, मैं बाहर रहता था। हाँ। उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अपने घर पे रहता हूँ। घर पे रहते हो? अच्छे मम्मी का आता खाना खाता हूँ और अपने
इंजॉय हो जाता है अच्छे से। अच्छा हाँ, परेशानियां भी नहीं होती ज्यादा, काम भी। कई भाइयों का इस काम में मन नहीं लगता, उन्हें बीट की बदबू आती है, उनके लिए थोड़ा सा कुछ बताओ आप। देखो ये कोई इशू नहीं है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच, बस कमाना है हाँ। तो ये मैं सोचो कि मैं नहा लिया तो कुछ करूंगा नहीं, बदबू किसी में नहीं आती, उसमें जो आपके बिजनेस में बदबू आएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सही बात है। आप सोचो आपने प्रॉफिट भी लिया इसके अंदर बहुत, 500 मुर्गियां जो छोटे चूजे हैं वो सेल करें, क्या रेट में सेल करें थोड़ा ये बताओ मुझे। मैंने किए थे उस टाइम लगभग देखो 350-350 के आसपास किए थे। अच्छा 350 करे थे आपने मुर्गी सेल। अच्छा उस मतलब दो रेट में गए थे वो, एक 350-350। हाँ देखो 500 पर नीचे हो जाते हैं कोई, वो 350 रुपए में चिक सेल करे थे आपने। कितने महीने के थे वो? वो हो गए लगभग 1.5 महीने के, 1.5 महीने काफी। हाँ। अच्छा रेट मिल रहा था आपको। हाँ। क्योंकि भाइयों देखो बहुत सारे फार्मर भाई हैं या कोई वीडियो देख रहा है वो नीचे कमेंट करेगा कि इतना ज्यादा महंगा चिक्स मिल रहा है, प्योर देसी का देखो चिक्स का रेट यही रहता है क्योंकि प्योर देसी में चिक्स निकालना बहुत मेहनत का काम है। तो भाई साहब ये बताओ मुझे, आप थोड़ा आगे चलिए फार्म देखते हैं आपका और भाई से जानकारी, ये सेक्शन दिखाओ मेरे को, ये सेक्शन मेरे को बहुत आपका इंटरेस्टिंग लगा था। ये देखो सेवन के लिए भाई ने सेक्शन बना रखा है, मुर्गियां अंडा सेरी है यहाँ पे। बिल्कुल भी खर्चा नहीं है भैया, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, बिजनेस करो। हाँ मन से करो, मन से करो, बस मेहनत के पीछे है ना पैसे। हाँ। कभी नहीं लगते, मेहनत करोगे तो। हाँ मेहनत करेंगे तो। हाँ अच्छा आपने जो ये मुर्गियां बिठा रखी है, हाँ बड़ा ही अच्छा लगा। ये देखो जहां तक आपकी नजर जाएगी देखो कितनी मुर्गियां होंगी लगभग बैठी हुई है। ये लगभग ज्यादा नहीं है तो 25 मुर्गियों के आसपास है, 25 मुर्गियों के आसपास यहां पे मुर्गियां बिठा रखी है आपने। अच्छा बिल्कुल देसी काम है। देखो ये अपने जो सरसों का तेल आता है वो पीपे है। हाँ वो पीपे है, लोहे। देखो देखो गौर से देखो। हाँ अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या पता लगता है कि भाई ये मुर्गी के नीचे हमें अंडे लगाने चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। इस बारे में क्या है कि जो दो पैर में जो मुर्गियां अंडा देती है तो अंडा देने की जगह वहाँ है। देखो इधर अंडे वहाँ वो ईट रखी है ना। हाँ वो बाहर का बड़ों का फाउंडेशन है। हाँ तो वहाँ जो मुर्गियां अंडा देती है तो वहाँ पे क्या है कि दो पैर में जो जिस मुर्गी का अंडे 21 अंडे हो गए ना तो मुर्गी उसी अंडे के ऊपर मिलेगी वो। अच्छा मतलब जो आपकी मुर्गियां अंडे देती हैं। हाँ। वहाँ पे अंडे देती हैं। हाँ। तो आप अंडों को उठाते हो या फिर वहीं रखे रहने देते हो? तो पूरे दिन के अंडे में तो शाम को उठाता हूँ ना। अच्छा अंडे उठा लेते हो? हाँ, अंडे उठाने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ। तो मुर्गी जो अंडा 21 अंडे पूरे हो गए। हाँ। तो मुर्गी वही अंडे पे बैठ जाएगी। प्योर देसी मुर्गी आपका कितना अंडा दे रही है अभी फिलहाल ये बताओ मुझे? फिलहाल मुर्गी दे रही है मेरे, नहीं मतलब एक मुर्गी कितना अंडा देती है एक महीने में? महीने नहीं, एक मुर्गी 21 अंडा देती है। 21 अंडा देती है। अच्छा 21 अंडे आप इकट्ठे कर लेते हो? हाँ। फिर इकट्ठे करके फिर आप मुर्गी की कैसे पहचान करते हो कि भाई इस मुर्गी के नीचे आज अंडे हमें लगाने चाहिए? वो सेवा पे बैठ जाती है बाहर, उसको फिर मैं अंदर लेके आ जाता हूँ। सेवा मतलब क्या होता है उसके साथ में ये बताओ? उसके साथ में यही होता है कि वो अंडे के ऊपर है ना बैठ जाएगी, उसको उठाएंगे ना अंडा वो उठती नहीं। अच्छा एक जगह बैठी रहेगी? एक जगह बैठी रहती है वो, है ना कुछ आवाज अलग प्रकार की आवाज निकालने कर की आवाज करेगी। अच्छा वो वहाँ बैठ जाएगी। हाँ फिर आप वहाँ बिठा देते हो उनको? हाँ ठीक है, वहाँ से उठा के मतलब यहाँ अंदर ले आता हूँ उसको, क्यों बाहर ये मतलब जो आजू बाजू वाले हैं वो बैठने नहीं देते। हाँ हमें वहाँ तो मुर्गे वगैरह परेशान करते होंगे। जी, जी। तो आपने अलग सेक्शन बना दिया? हाँ, मैंने इसका अलग फाउंडेशन बना दिया अंदर। अच्छा अच्छा ये जो मुर्गियाँ आपने मतलब अंडे लगा रखे नीचे, ठीक है लगभग कितने अंडे लगा रखे हैं ये बताओ मुझे थोड़ा सा? किसी के नीचे 14 भी है 13 भी है। दिखाओ आप एक बार, दिखाओ देखो आप बैठ के दिखाओ आप। देखो ये, हाँ देखो इस मुर्गी के नीचे लगभग 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 अंडे लगा रखे हैं। हाँ 12 है किसी के नीचे, 12 है किसी के नीचे, 13। इसमें क्या है देखो ये बच्चा निकला है। हाँ। देखो छोटा चूजा है। हाँ छोटा चूजा भी निकला है। हाँ आ देखो छोटे हैं। हाँ तो ये निकल रहे हैं, एक देखो ये देखो इधर देखो ये निकल रहा है। हाँ, ये निकल रहा है अभी इसकी बच्चा। जो हाँ। इसके ऊपर मुर्गी बैठी थी देखो बाहर है ना वो पानी पीने जा रही है। ऐसे देखो मैं ऐसे पूरे दिन फार्म के अंदर ऐसा रहता हूँ कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अब ये मुर्गी है मतलब आपकी मेहनत है ये। हाँ, वहाँ से उठ के ये मुर्गी इस मुर्गी के पास में आके बैठ गई। हाँ, हाँ। तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ कि कहीं ये एक जगह पे दो ना बैठ जाए। हाँ, हाँ, तो इनको मैं ऐसे उठा के हाँ, और वहीं बैठा देता हूँ। जहाँ बिठा दोगे आप? हाँ, वैसे वापिस बैठा दूंगा। कई मुर्गियां हैं वो वापिस नहीं बैठती, पानी पीने आती है तो। अच्छा अच्छा ये जो आपने रखे हुए हैं ड्रिंकर बोलते हैं इनको, ड्रिंकर फीडर भी रखा हुआ है आपने, तो ये इन्हीं के लिए रख रखे है? आपने आप उठ के पानी पीती है और फिर बैठ जाती है अंडे पे? अच्छा इतनी नॉलेज मुर्गियों को ऑटोमेटिक होती है? हाँ। अच्छा तो ये भाई ने पूरा सेटअप बना रखा है। अच्छा भाई मैंने एडवांस में बना रखी है।
अच्छा एडवांस में भी की, और मुर्गी भी अगर सेवन मांगेगी तो बैठ जाएगी वहाँ पे। अच्छा ये देखो भाई ने एडवांस में बना रखी है। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, आपने फार्म बना रखा, बड़ा शानदार फार्म बना रखा है, मतलब लो कॉस्ट में, कितना खर्चा लगा था लगभग आपका इसमें? लगा होगा लगभग ऑल टोटली मेरे मुर्गों से जो चूजे हैं उनसे अलावा मेरा 50-40-50 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार का खर्चा लगा था। हाँ भाई, आप इतने में पक्का शेड बना सकते थे? इतने में पक्का काम बनेगा? इतने में पक्का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा मुझे होती क्या है, कच्चा आपने शेड बना रखा है, इसका एक मालिक कुछ नुकसान बताओ कुछ फायदे बताओ मुझे इसके। हाँ इसका नुकसान तो यही है कि भाई देखने वाले ये बोलते हैं कि कच्चा है। हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन इसके जो देखो ऊपर है, हाँ, ये जॉइंट देखो, ये जॉइंट वाला ऊपर वाला, हाँ, मैंने ऐसे कि टिकाऊ नहीं कर रखा, इनके अंदर जेब निकाल वो बेज निकाल के हाँ, नट की मैंने फिटिंग कर रखी, फिटिंग कर रखी है, फिटिंग कर रखी है, तो ये उखड़ेगा नहीं। अच्छा कल ने तूफान आएगा तो उखड़ेगा नहीं। हाँ, अब 2-4 दिन पहले तूफान आएगा तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ा, बिल्कुल भी नहीं उखड़ेगा। अगर मैं इनको पक्का बनाऊं तो पैसे कितने लगे कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, फिर इसकी जो अब ये कंडीशन है तो इसमें ठंडा माहौल है। हाँ, ठंडा माहौल है बिल्कुल। अब ये रखूंगा तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म, सर्दी में गर्म रहेगा। जो टैन है अगेरा वगैरह है पक्का करूंगा तो गर्मी में तो ये मान लो कि हम ही नहीं खड़े हो सकते तो चूचे मुर्गे तो कहाँ रहेंगे, जानवर कहाँ रहेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा भाई थोड़ा सा उधर वाला भी देखते हैं सेटअप। ये दूसरा पोर्शन है भाई का, अब तीसरा पोर्शन देखते हैं। ठीक है ये देखो, तो जैसे कि ये पोर्शन है आपने बना रखा है, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है ये बताओ मुझे। ये देखो भाई ने पूरा पोर्शन बना रखा है इस साइड, तो भाई से पूछें ये कौन सा पोर्शन है यहाँ पे। ये है बड़ा का। अच्छा। इनमें मुर्गी भी है मुर्गे भी। अच्छा हाँ, इसके अंदर मुर्गियाँ भी है और मुर्गे भी। हाँ ये बड़ा है। अच्छा बड़े यहाँ पे रहते हैं। हाँ बड़े। अच्छा ये बैठने का भी सेटअप बना रखा आपने बड़ा सुंदर सा, है ना। हाँ ये बैठने का है। अच्छा ये क्यों बनाते हैं देसी मुर्गी में, मैंने देखा है बहुत सारे फार्मों पे ये सब बनाते हैं। नीचे नहीं बैठते। अच्छा नीचे नहीं बैठते तो इसलिए मैंने जो बांस की लकड़ी है हाँ, इनको मैंने ऊपर सेट कर दिया। ऊपर सेट कर दिया। हाँ अच्छा। ये ऊपर बैठ जाते हैं शाम को। हाँ। एक भी नीचे नहीं मिलेगी आपको, एक भी नीचे नहीं मिलेगी, सभी ऊपर बैठते हैं। अच्छा अच्छा भाई ये बताओ मुझे, जैसे आपने दाना डाल रखा है, सिर्फ मेरे को बाजरा और गेहूँ दिखा है मतलब दाने के अंदर। हाँ गर्मी के अंदर बोलते हैं कि बाजरा गर्म करता है, कुछ इस बारे में बताओ थोड़ा। देखिए वो गर्म करता है। हाँ गर्म उसके करता है जो एक कैल्शियम होती है, कैल्शियम पानी में नहीं डालोगे तो वो गर्म करेगा बाजरा। हाँ। उसके अंदर लस्सी नहीं डालोगे। हाँ। छाछ तो हाँ। भी वो गर्म करेगा। अच्छा ठीक है, टाइम टू टाइम इनको लस्सी और कैल्शियम हाँ। ये और पानी तीनों चीज मिला के रखोगे तो बाजरा वो गर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा बहुत अच्छी जानकारी दी भाई ने, बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगा, अगर अकेला बाजरा दोगे तो गर्म करेगा। अच्छा हाँ। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, जैसे आपने ये कुछ इसके अंदर कलर सा लग रहा है, ये कैल्शियम रखा हुआ है देखो ना आगे। अच्छा। रखिए हाँ कैल्शियम रखी हुई है, ओस्टोवेट जो कंपनी है उसकी रखी हुई है कैल्शियम भाई के पास में। हाँ। तो ये सब मतलब क्यों देनी जरूरी है थोड़ा सा ये बताओ। देखो शरीर में पशु हैं, गाय भैंस हैं, इंसान है हाँ। तो सबके शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है तो उसकी पूर्ति तो करनी पड़ती है। अब ये 24 घंटा मतलब डेली एक अंडा देती है, मुर्गा है हाँ। तो उसको भी कैल्शियम की जरूरत होती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तो उसको कैल्शियम पूर्ति। अब ये बोल देते हैं कि डेली क्यों देता है, तो मुर्गी डेली अंडा क्यों देती है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए मुर्गी डेली अंडा देगी तो उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। हाँ अच्छा बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा कोई फार्मर भाई इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आपसे वो मुर्गियाँ खरीदना चाहे पहले तो मुझे बताओ लोकल में क्या सेलिंग रहती है, मतलब क्या रेट में जा रहा है आपका मुर्गा और मुर्गी का, और साथ में जो चिक्स है उनका भी रेट और अंडों का भी रेट बताओ मुझे आप। देखो अंडे का तो फिलहाल ना तो मैंने अंडे की सेल की है क्योंकि हाँ। मेरे पास है ना एचरी है। अच्छा सच बात यह है कि मैं चूजे निकालता हूँ, अंडे की सेल नहीं करता। अच्छा बट अगर कोई लेने आ जाए तो देखो उसको मैं दे देता हूँ, उसको यही बोलता हूँ देखो मैं बेचता नहीं कोई रेट दवाई बताओ, के आप रेट बताओ मुझे एक बार क्या रेट में बेचते हो आप। रेट तो अच्छा है मतलब 80-90 यही रेट है। अच्छा अंडे मार्केट में हाँ 80 रुपए का। हाँ देसी का। देसी का। अच्छा जो मुर्गे का रेट है वो क्या रेट है। मुर्गे का 1000 रुपये। 1000 रुपये और मुर्गी का एक ही रेट। एक ही रेट है। हाँ अच्छा आपके पास में काफी चिक्स हो रखे हैं, आप कह भी रहे थे कि मेरे को बेचने हैं कुछ चिक्स, तो अगर कोई भाई आएगा हमारी वीडियो देख के तो कितना डिस्काउंट दोगे आप। अगर आप ही आ रहे हो तो आपका भाई है तो मेरा भी भाई है,
जो बोलोगे वो। अच्छा जो बोलेंगे वो, तो जरूर बताना कि मेरी वीडियो देखी थी। हाँ। और साथ में दोस्तों भाई के पास काफी चिक्स हो रखे हैं, क्योंकि इनके पास मुर्गे ज्यादा हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी शायद अगर ज्यादा करोगे तो आप। हाँ, अब की बार जो बैच आएगा उसमें मेरे को जगह कम पड़ेगी तो मैं बढ़ाऊंगा। अच्छा बढ़ाओ। हाँ, अगर तुझे निकल जाएंगे बिक जाएंगे तो। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इतना खुश हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसको एक बार थोड़ा सा साइड में रखो और आप देसी मुर्गी फार्म खोलो। अच्छा, बिल्कुल भी मतलब जोर नहीं आएगा, बिल्कुल आसान नहीं है। दाना कितना दे रहे हो या लगभग कितने ये बड़े नग कितने हैं? बड़े नग हैं 150। 150 करीब, 150। कितना दाना लग रहा है रोजाना का आपका? दाना कहाँ लग रहा है, 2-5 किलो बस। 2-5 किलो 150 मुर्गियों पे दाना लग रहा है, मतलब बहुत लो कॉस्ट फीड है। बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। आपने वहाँ पे छानी सी भी डाल रखी, मैं आपको भाइयों दिखाना चाहूंगा, जैसे छानी सी डाल रखी वहाँ थोड़ी, अभी पंप चल रही है, इधर आ जाओ एक बार आप, इधर आओ। हाँ? ये नोजल चल रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये किस लिए चला रखी थोड़ा ये बताओ? ये इसलिए चला रखी है कि अब जो गर्मी हो गई, अब ये मतलब अब थोड़ी सा है ना ठंड होगी शाम को, उस टाइम में बंद कर दूंगा, बंद कर दो। तो बाहर इतने अच्छे से मस्ती से खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वो है पक्का है, वहाँ पे मैं थोड़ी हरा छाना डाल देता हूँ चारा, ठीक है, तो वे खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। फिर मैं इनको बाजरा तो है ही अंदर, हाँ वो तो कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो ये मस्त हो जाते हैं, वहाँ पे खेलते बहुत है छोटे बड़े। भाई मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, वहाँ पे चबूतरा सा बना रखा है, वहाँ पे हरा चारा डालते हैं, ये छाननी जिसे बोल देते हैं, ठीक है, वो खाते हैं आराम से खुश होते हैं। मैं भी आया था वैसे देख रहा था, खा रहे थे आराम से, खा रहे हैं, उसकी वजह से भी फीड कॉस्ट बच जाती है। तो बहुत सारे फार्मर भाई को ये करना चाहिए कि फीड कॉस्ट बचाने के लिए ऐसे आप हरी छाननी दे सकते हो, बिल्कुल, या फिर मतलब आप ऐसे फ्री रेंज में छोड़ सकते हो। ये देखो सारे मुर्गे घूमने जा रहे हैं, ये पूरा आराम से घूमने जाएंगे यहाँ, देखो, ठीक है। तो भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आपको जो भी जानकारी लेनी, अगर कोई भाई जानकारी लेना चाहे आपसे तो उनको जानकारी दोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसी है वैसी दूंगा, वैसी आपको जानकारी मिल जाएगी। भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ में भाई आप एक बार दोबारा से अपना नाम, एड्रेस और आप भी अपना कॉन्टैक्ट बता दो एक बार। मेरा नाम तनुज कुमार शर्मा है, चूरू डिस्ट्रिक्ट का हूँ, राजगढ़ तहसील गाँव जनाऊ मिट्टी पिलानी चांदकोठी के पास में। अच्छा, ठीक है, खेत में मेरा देसी फार्म हाउस है। हाँ, मेरे नंबर आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे। हाँ, तो वहाँ से भाई को कभी भी संपर्क कर सकते हो, जैसी मेरे को जानकारी है वैसी मैं जानकारी भाइयों को प्रोवाइड करवा दो। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।